अगले देशक हैं हमारे साथ राहुल छत्तीसगढ़ से। नमस्कार राहुल, बताइए क्या सवाल है आपका। राहुल आपसे रिक्वेस्ट है, टीवी का वॉल्यूम आप बंद कर दीजिए, फिर अपना सवाल लाइव पूछ सकते हैं। हाँ मैडम, मेरे को हेलो। हाँ राहुल पूछिए। मैडम हमें मेरे को हिंदी की पढ़ाई के लिए 4 लाख लोन चाहिए था। ठीक है, वो भी बिना सिक्योरिटी के। ठीक है, और आपने बताया था कि अभी अभी आपकी बीबीए की पढ़ाई खत्म हो गई है, तो आपने एडमिशन ले लिया है या फिर अभी आपको लेना है? एडमिशन टाइम स्टार्ट हो गया है क्योंकि? नहीं मैडम, अभी एडमिशन लेना है मेरे को। ठीक है, ठीक है राहुल, आप फोन लाइन डिस्कनेक्ट मत करिएगा। जैसे आपने बाकी भी डिटेल्स कुछ हमारे साथ शेयर की थी, बलवंत साहब के पास वो हैं, इन्होंने मेंशन किया था फैमिली की इनकम 1.5 लाख के आसपास है सालाना। क्या क्राइटेरिया रहेगा, क्योंकि खासकर कि इनका अमाउंट अगर देखा जाए 4 लाख से कम तक के लोन पर कोई कोलैटरल या सिक्योरिटी नहीं देना होता, तो अप्रोच क्या रहनी चाहिए और क्या कुछ डॉक्यूमेंटेशन उसमें लगेगी? बलवंत साहब देखिए, पल्लवी आपने सही बताया कि अगर आपको जो एजुकेशन लोन जो रिक्वेस्ट है, जो लोन के अमाउंट है, अगर वो 4 लाख से कम है, तो आपको जो आरबीआई की इंस्ट्रक्शन है उसके हिसाब से बैंक जो लेंडर है वो कोई भी कोलेट्रल इंसिस्ट नहीं कर सकता, परंतु जो पेरेंट्स हैं उनको को बोरोअर जरूर बनना पड़ेगा। और जहां तक डॉक्यूमेंट्स वगैरह का प्रश्न है, तो इनको जो प्रूफ देना पड़ेगा कि उनका जो एडमिशन जो कोर्स है उसमें उनका एडमिशन हो गया, एडमिशन होने के बाद ही उनको लोन मिल सकता है। इसके अलावा उनका जो फोटो आईडी है, एड्रेस प्रूफ है और उनका जो पास्ट एजुकेशन परफॉर्मेंस वगैरह, वो भी डिटेल वगैरह बैंक इंसिस्ट करेगा। और जो इसमें जो एजुकेशन लोन सेक्टर में है वो पीएसयू ज्यादा एक्टिव है, और ऑलमोस्ट सब बैंक्स की जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन अवेलेबल है, तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको जब भी आपका नंबर आएगा तब आपको ये डॉक्यूमेंट वगैरह देना पड़ेगा। जो लोन है नॉर्मली वो आपको अगर 7.5 लाख से कम तक का लोन है तो 10 साल में आप उसका भुगतान कर सकते हैं, और 7.5 से ज्यादा है तो 15 साल तक की आपको बैंक मैक्सिमम ईएमआई दे सकती है। आप कम पीरियड का भी ईएमआई ले सकती है। और इसके अलावा एक मॉरेटोरियम पीरियड होता है, जब तक आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तब तक बैंक आपसे उसका रिपेमेंट का इंसिस्ट नहीं कर सकती। तो अगर आपका जो पढ़ाई खर्च खत्म होने के बाद में साल भर, या आपका अगर नौकरी लग गया उसके पहले ही, तो नौकरी लगने के 6 महीने के भीतर भीतर जो भी पहले होता है तब से आपको आपका लोन का सर्विसिंग शुरू करना जरूरी रहेगा। पर जैसे चूंकि लोन इनको 4 लाख का चाहिए, तो इनकम कंसीडर नहीं करते हैं कि आपके पेरेंट्स वगैरह का क्या इनकम है, और कोलेट्रल के लिए भी इंसिस्ट नहीं करते हैं। तो मेरे को लगता है आपका जो एमबीए करना, और मैं प्रज्यूम करता हूं कि ये जो एमबीए है जहां से कर रहे हैं वो इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड है, तो आपको ये जो जितना लोन चाहिए 4 लाख तक का वो आसानी से मिल जाएगा। तो राहुल आप किसी भी सरकारी बैंक में ट्राई कर सकते हैं, लेकिन जैसे आपने अभी बताया एडमिशन आपने लिया नहीं है, तो एडमिशन लेने के बाद ही ये प्रोसेस स्टार्ट हो पाएगा, क्योंकि आपको अपने एडमिशन के यानी दाखिले के जरूरी दस्तावेज आपको बैंक को दिखाने होंगे।